नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम में, आपका स्वागत है। बेगिन हरदोई टप्पेबाज 3 लाख से अधिक जेवर लेकर चंपत हरदोई शाहबाद मोहल्ला चौक स्थित राम भरोसे रस्तोगी की दुकान पर टप्पेबाज ने दुकानदार से टप्स कुंडल जेवर आदि दिखाने को कहा, जिस पर दुकानदार ने अपने मुनीम से जेवर दिखाने के लिए कहा। टप्पेबाज ने मुनीम को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा कर जेवर दिखाने लगा और अपने साथी का इंतजार करने लगा, जो मोटरसाइकिल से खड़ा था। जैसे ही उसका साथी दुकान के पास आया, वो माल समेत अपने साथी की मोटरसाइकिल बैठकर 3 लाख के जेवर लेकर फरार हो गया। घटना के 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची पुलिस, जो कोतवाल जितेंद्र ओझा सराफा व्यापारियों से पूछताछ की। पूछताछ में लगे सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए। वहीं दिन दहाड़े घटना से व्यापारियों में दहशत के साथ आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय पुलिस से कह रहे थे कि चोरी का मुकदमा लिखूंगा। इस बात को लेकर सोमवार को सराफा मार्केट पूरी बंद रही। उन लोगों का कहना है कि जब तक केस का खुलासा नहीं होगा, तब तक हम लोग मार्केट नहीं खोलेंगे। और सीसीटीवी मोटरसाइकिल नंबर आया, वह नंबर स्कूटर का पाया गया। खबर लिखे जाने तक मुकदमा पंजीकरण नहीं किया गया। स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सराफा व्यवसायी प्रतिनिधि मंडल जिला मुख्यालय गया हुआ है। कल दोपहर में करीब 4 बजे के आसपास यहाँ लूट की घटना हुई। एक दुकान से कुछ लोग आए, वो पुड़िया छीन के, सोने की पुड़िया छीन के वहाँ से भाग खड़े हुए। और कितनी कीमत होगी उसकी? उसकी कीमत करीब 3-3.5 लाख होगी। लमसम 120 ग्राम 120 ग्राम होना था। 3 लाख के लमसम कीमत होगी उसकी। उसके बाद फोन किया गया करीब 1 घंटे बाद। आधे घंटे बाद पुलिस आई यहाँ से। आने के बाद पुलिस ने मुकदमा लिखा या नहीं लिखा? नहीं, पुलिस ने मुकदमा चोरी का मामला लिखा जा रहा था। लूट का मामले को पुलिस चोरी में लिख रही थी। चोरी का मामला लिखा जा रहा था। हाँ। लेकिन मामला जो है वो लूट का है। तो आप लोगों ने सराफा यूनियन ने आज जो मार्केट बंद की, 8 को पूरा सराफा मार्केट बंद करके हरदोई जिला अधिकारी को ज्ञापन देने गए। कब तक बंद रखेंगे? जब क्या आपका मांग है? अब ये देखिए, बात होने के बाद शाम को मालूम चलेगा। मैंने आपने मार्केट किस लिए बंद की कि जब तक मुकदमा नहीं लिखा जाए? जब तक मुकदमा नहीं लिखा जाएगा तब तक बोले जब तक मुकदमा नहीं बंद किया जाएगा। पुलिस की कार्यप्रणाली से संतुष्ट हैं आप? वो असल आए थे, अपना पूरा दे गए। अब देखिए आज क्या होता है, उस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। कल की घटना, कल 4 बजे की घटना थी, उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। वो आज शाम को आने के बाद, जब कमेटी के सदस्य आ गए हैं, वो आने के बाद यहाँ आएंगे, उसके बाद ही मालूम चलेगा। कह सकते मंत्री महोदय, आप मेरी बात पर जवाब दीजिए। अगर आप संतुष्ट नहीं है तभी तो आप जिलाधिकारी के पास गए। आप घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हैं? जब